गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू विद्या 24। सो गाइस, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं केमिस्ट्री का मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रत्येक एग्जाम में देखे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रत्येक डैश वर्ष में जनगणना की जाती है। कितने वर्षों के बाद भारत में जनगणना की जाती है, ठीक है? दो वर्ष, पाँच वर्ष, दस वर्ष या फिर एक वर्ष, ठीक है? फिर से पढ़ लेते हैं, क्या है, भारत में प्रत्येक डैश वर्षों में जनगणना की जाती है। जनगणना किसको बोला जाता है, एक्चुअल में प्रत्येक व्यक्ति की संख्या, ये जानने के लिए कि हमारे देश में कितने व्यक्ति जो है वो लिविंग है, कितने व्यक्ति रह रहे हैं, तो इसके लिए एक पद्धति जिसको बोला जाता है गणना पद्धति। तो ये प्रत्येक वर्ष की जाती है, दो वर्षों में एक बार, पाँच वर्षों में एक बार या फिर दस वर्षों में एक बार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दस वर्ष, ठीक है, दस वर्षों में एक बार की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, तो माध्यिका आंकड़ों, आंकड़ा यानी कि समंगों को डैश बराबर भागों में बांटा जाता है या फिर बांटता है, ठीक है? माध्यिका जो है वो आंकड़ों को, माध्यिका जिसको मेडियन बोलेंगे, वो आंकड़ों को कितने भागों में बांटते हैं, कितने बराबर भागों में बांटता है, दो, एक, चार या फिर तीन। तो नॉर्मली इसका राइट आंसर हो जाएगा कि माध्यिका जो होता है दो बराबर भागों में, इक्वल भागों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसको, आंकड़ों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे कहते हैं, आंकड़ा को, डेटा को स्टोर करता है, उसको क्या बोला जाता है, प्रदर्शक बोला जाता है, गणनाकार बोला जाता है, संख्यातार, संख्याता या फिर ऑपरेटर। तो थ्री का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गणनाकार, जो गणना करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जो है मिड पॉइंट 70 to 80 का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। नॉर्मली अगर कोई भी देखा दिया जाए, कोई डेटा दिया जाए, अब बोलेगा कि इसका वर्ग अंतराल निकालना है, तो क्या करना है कि जितना दिया जाए दोनों को ऐड करना है और दो से डिवाइड कर देना है, यानी कि 70 + 80 कितना हो जाएगा, 150/2 यानी कि 75। इसका राइट आंसर होगा 75, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समंक यानी कि होगा आंकड़ा को कहते हैं, ठीक है ना। अनुसंधान के लिए मूल रूप से आंकड़ों को क्या कहते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। प्राथमिक आंकड़ा, द्वितीयक आंकड़ा, तृतीयक आंकड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए तो फाइव का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, प्राइमरी डेटा यानी कि प्राथमिक आंकड़ा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव बोला, निम्नलिखित आंकड़ों से विस्तार गुणांक ज्ञात करें। ये जो आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है, इसका क्या करना है, विस्तार गुणांक ज्ञात करना है। तो इसको क्या करना है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखना है डेटा को और उसके बाद इसका विस्तार गुणांक को सॉल्व करना है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, समांतर माध्य का सूत्र है, यानी कि फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो मीन का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, एन स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स या फिर एक्स प्लस एन, एक्स डिवाइड बाय एन या फिर एक्स स्क्वायर बाय एन, ठीक है। तो सेवन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका फॉर्मूला है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो माध्य का फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, ठीक है, प्रासर, प्रास या फिर रेंज बोलेंगे, बहुलक यानी मोड, प्रमाप, विचलन या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बोल क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, तो एट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, बहुलक, मोड। और बहुलक किसको बोला जाता है, तो रिपीटेड नंबर को ही बहुलक बोला जाता है, क्या है, रिपीटेड नंबर, रिपीटेड नंबर, जो नंबर बार बार आया हुआ यानी अधिक बार आया हुआ अगर उस डेटा में, तो वही नंबर उस डेटा का मोड होगा यानी बहुलक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है, सांख्यिकी के पिता किसे कहा जाता है ना, फादर ऑफ स्टेटिक्स, सांख्यिकी के पिता किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ, ऑप्शन देख लेते हैं, एडम स्मिथ या फिर गॉटफ्राइड अकेनवाल या फिर अल्फ्रेड मार्शल या फिर क्या है, पास सैम्यूलसन,
पॉल सैमुएलसन। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, गॉटफ्राइड अकेनवाल। ठीक है, गॉटफ्राइड अकेनवाल। तो गॉटफ्राइड अकेनवाल को सांख्यिकी के पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को कहते हैं। ठीक है, दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को क्या कहते हैं। ठीक है, मीन कहते हैं या फिर विच्छेप चित्र, मानचित्र, मैप या फिर मेडियन यानी कि माध्यिका। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, विच्छेप चित्र। ठीक है, विच्छेप चित्र जो स्केटर डायग्राम जो है वो दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने के लिए होता है। ठीक है, क्या है, विच्छेप चित्र, स्केटर डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं। ग्राफ पेपर जो होता है उसमें कितने चरण होते हैं। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं किसी ग्राफ पेपर में 1, 2, 3 और 4 यानी 4 चरण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मली अगर देखा जाए जो 4 चरण होता है तो ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो सबसे पहले अगर हम कोई बिंदु लेते हैं, मान लिया जाए 4 और -5 अगर लेते हैं, ठीक है, 4 और -5 अगर लेते हैं, तो यहाँ जो होता है इस पॉइंट में यहाँ पर दोनों को दोनों प्लस आता है, यहाँ पर माइनस और प्लस आता है। ठीक है, सिंबल अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों को दोनों माइनस होता है और यहाँ पर पहले प्लस आता है देन बाद में माइनस आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह हम लोग सिंबल को देख करके यानी कि चार्जेस प्लस और माइनस को देख करके उसके चरण को हम लोग पहचान सकते हैं कि वो जो होगा बिंदु कौन से चरण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक यानी कि सूचकांक निर्माण करने का सूत्र क्या है। उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक सूचकांक निर्माण करने का सूत्र क्या है, तो ए नंबर, बी नंबर, सी या फिर डी। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये एक्चुअल में परसेंटेज में निकाला जाता है इसीलिए इंटू 100 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 एक्चुअल में क्या है कि श्रेणी का एन बटे फोरवा पद क्या होगा, प्रथम चतुर्थक या फिर द्वितीय चतुर्थक, तृतीय चतुर्थक या फिर फोर्थ क्वार्टाइल। ठीक है, क्वार्टाइल, तो चतुर्थ चतुर्थक। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन डिवाइड बाई 4 जो होता है वो प्रथम चतुर्थक होता है, प्रथम चतुर्थक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं। क्या क्वेश्चन है, समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं, जनगणना, निर्देशक या फिर परिदर्श, राज्य या फिर प्रश्नावली। ठीक है, 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, निर्देश यानी कि प्रतिदर्श। समग्र के एक छोटे से भाग को क्या बोलेंगे, प्रतिदर्श यानी सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा चर खंडित है, खंडित होना यानी कि जो डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, कौन सा चर जो है वो खंडित है, वजन, ऊंचाई, छात्रों की संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, ऑप्शन नंबर सी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होगा वो खंडित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, किस अर्थशास्त्र ने कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत किया था। किस अर्थशास्त्र ने कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत किया था, एडम स्मिथ ने, एल्फर्ड मार्शल, जे एम केन्स ने या फिर इरविंग फिशर। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अल्फ्रेड मार्शल जो है वो अर्थशास्त्र में कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत किया था, कल्याण संबंधी परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया क्या कहलाती है, संकलन, विचरण, वर्गीकरण या फिर निजीकरण। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, वर्गीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक श्रेष्ठ प्रश्नावली की गुण होता है, श्रेष्ठ प्रश्नावली का गुण क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, सरलता, प्रश्नों
का उचित क्रम, प्रश्नों का उचित क्रम या फिर प्रश्नों की सीमित संख्या या फिर इनमें से सभी। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, इनमें से सभी। सरलता भी होता है, प्रश्नों का उचित क्रम भी होता है और प्रश्नों की सीमित संख्या भी होती है, ठीक है, प्रश्नावली का गुण। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपकिरण पदों के विचरण का माप है, उपकरण उपकिरण पदों के विचरण का माप है, मार्शल, बाउले या फिर केन्स या फिर राबिन्स। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाउले, ठीक है ना, बाउले। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा, निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करें, इसका क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो नॉर्मली माध्य का जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, एप्सिलॉन एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय एफ आई, तो इस फॉर्मूले के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इन आंकड़ों से माध्य निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आप लोग का क्या आंसर आया है, ठीक है। चलिए, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।